गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनको आज सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ आई फिलिप यू इंग्लिश, इसके ऑप्शन में चार दिए हुए, फर्स्ट है हैज टॉट, दूसरा है टॉट, तीसरा हैज बीन टीचिंग और चौथा है टीचिंग। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चार ऑप्शन दिए होंगे, एक ब्रैकेट दिया होगा, आपको जो सही आंसर है वो सॉल्व करना है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है गौरव फिलिप जर्नी, ऑप्शन ए हैव नॉट स्टार्टेड, हैड नॉट स्टार्टेड स्टार्टिंग और हैज बीन स्टार्टिंग। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है फिलिप राम फिलिप अयोध्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसके ऑप्शन में दिए हुए हैड रीच्ड, एड कॉमा रीच्ड, मतलब दो वर्ड है फर्स्ट वर्ड के लिए सेकंड वर्ड के लिए, दूसरे में हैव और रीच्ड, तीसरे में इज रीच और चौथा है वाज रीच। अब हम एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना आई डैश यू इंग्लिश, तो फिलिप में क्या आएगा हम देखते हैं, हैज टॉट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है। दूसरा देखते हैं हैड टॉट, हैड टॉट हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज बीन टीचिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें समय नहीं दिया हुआ है, और खाली टीचिंग है ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, वो सदैव हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है, इसलिए अपना उत्तर हो गया बी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है गौरव फिलिप जर्नी, इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट हैव नॉट स्टार्टेड, Have not started नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन है और have का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। दूसरा है had not started, ये हो सकता है। तीसरा देखते हैं starting, starting भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर helping verb नहीं है। और चौथा है has been starting, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि example में समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपना उत्तर हो गया बी। तीसरा एग्जाम्पल है फिलिप राम फिलिप अयोध्या क्वेश्चन मार्क, देखते हैं इसका क्या हो सकता है, हैड रीच्ड हो सकता है, हैव रीच्ड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी हैव है और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन है और हैव का प्रयोग प्लूरल पर्सन के साथ किया जाता है। इज आ सकता है लेकिन रीच रीच नहीं आ सकता, इज के बाद अगर रीचिंग होता तो यहाँ आ सकता था, वाज रीच नहीं हो सकता, वाज है तो यहां भी रीचिंग होता है, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा ए हैड रीच। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस का जो चौथा पार्ट है, जिसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान देखते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान ये है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा था रही थी रहे थे आने के साथ में समय जरूरी है, रहा था रही थी रहे थे, ये तो आई गई, इन साथ में समय जरूरी है। इन वाक्यों की खासियत इनमें समय दिया होगा, अगर समय नहीं होगा तो ये सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस के हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम जा रहा था, एक ये अपना सेंटेंस है, एक और एक सेंटेंस है राम 2 बजे से जा रहा था, तो अपने सामने दो सेंटेंस देखिए, दोनों में समय का फर्क है। इस वाक्य में समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए वाक्य होगा अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और इस वाक्य में समय दिया हुआ है 2 बजे, इसलिए यह वाक्य अपना हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पे,
हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंस में लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में एडमिन का प्रयोग, फिर मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन प्लेस मतलब स्थान पहले लिखा जाएगा और टाइम वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। टेंस की ये खासियत है, कोई भी अपन प्रेजेंट करें चाहे पास्ट करें चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करें, इसमें स्थान और समय अगर दिया होता है तो सबसे लास्ट में समय लिखा जाएगा। अब इसका एक नोट है, समय दो तरीके की हो सकती है, निश्चित समय हो सकता है और समय अनिश्चित भी हो सकता है। अगर अपना समय निश्चित है तो अपन प्रीपोजिशन के रूप में सेंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित कैसे, जैसे 12 बजे से, 2 बजे से, 2010 से, सुबह से, ऐसे वर्ड्स आए तो वहां पर प्रीपोजिशन के रूप में सेंस का प्रयोग होगा और फॉर का प्रयोग होगा अनिश्चित समय के लिए। जैसे वो कई दिनों से, कुछ दिनों से, कई वर्षों से, कुछ घंटों से हो तो ऐसा समय अनिश्चित होता है, उनसे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल एक देखते हैं, वह 12 बजे से 12 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। तो स्टूडेंट देखिए, इस वाक्य में अंत में रहा था, रही थी भी आ रही है और समय भी दिया हुआ है, इसलिए ये अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। अब इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव में तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, चाहे सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल पर्सन हो। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, चूंकि यहां पर दिया हुआ समय निश्चित है इसलिए प्रीपोजिशन के रूप में सेंस का प्रयोग, सेंस 12 o'clock। इसी को नेगेटिव में बदलेंगे तो वाक्य हो जाएगा आपने ई एड नॉट बीन, यहां ध्यान रखना नॉट का प्रयोग है, हैड और बीन दोनों के बीच में किया जाएगा। रीडिंग अ बुक सिंस 12 o'clock। इसी का इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है, उसका पहला हिस्सा ओनली फॉर हैड है वो आगे आएगा, बीन अपनी जगह ही रहेगा। Had he been reading a book since 12 o'clock, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, भारतीय सेना कई वर्षों से
भारतीय सेना कई वर्षों से पाकिस्तान को पराजित कर रही थी। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? इंडियन आर्मी हैड बीन बीटिंग भी लिख सकते हैं और डिफीटिंग भी लिख सकते हैं। डिफीटिंग पाकिस्तान, चूंकि यहां पर अनिश्चित समय, इसलिए प्रीपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर मैनी इयर्स, इसी को नेगेटिव में बदलेंगे। इंडियन आर्मी हैड नॉट बीन डिफीटिंग पाकिस्तान फॉर many years, इसी को हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो अपना सेंटेंस हो जाएगा हैड इंडियन आर्मी been defeating पाकिस्तान for many years। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। नीलम सुबह से, नीलम सुबह से कपड़े दो रही थी, क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव? नीलम हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स, चूंकि यहां पर मॉर्निंग है या सुबह है निश्चित है, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में सेंस का प्रयोग होगा। इसी का नेगेटिव हो जाएगा। नीलम हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, इसी को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, उसका जो हैड है वो स्टार्ट में आ जाएगा। हैड नीलम बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं सेंटेंस को। आज जो टेंस किया है उसे शॉर्ट में कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है कोई भी सेंटेंस उसके में रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय जरूरी है। समय चाहे निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी समय हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग करेंगे साधारण वाक्य में, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव करेंगे तो नॉट का प्रयोग है हैड और बीन दोनों के बीच में किया जाएगा। और इसी को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो हैड बीन है, उसका हैड है वो वाक्य के प्रारंभ में आएगा, बीन अपनी जगह रहेगा, बाकी वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना।
अगली क्लास में हम फ्यूचर सिंपल के साथ हाजिर होंगे।